हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। यू आर कनेक्टेड विद आरके सुहाज फॉर मैथमेटिक्स 10+2। चैप्टर नेम इज वेक्टर्स एंड दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 7th, सॉल्यूशन। स्टेटमेंट है, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए बी एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी सी आर टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ। रेगुलर एग्जागन का मतलब होता है वो एग्जागन जिसकी सारी साइड इक्वल हो। फाइंड द वेक्टर सी डी डी ई ई एफ एफ ए ए ई एंड सी ई इन टर्म ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो जितने भी इन्होंने साइड्स वेक्टर के अंदर मांगी हैं वो ए और वेक्टर बी की टर्म में मांगी है। तो दो साइड्स जो हैं एडजेसेंट साइड दे रखी हैं हेक्सागन की, वेक्टर ए बी को वेक्टर ए बोल रहा है, वेक्टर बी सी को वेक्टर बी बोल रहा है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के टर्म में बाकी भी बतानी है हमें। तो इस तरीके से कैसे पता लगाते हैं, फिर ए बी सी डी ई एफ इज अ रेगुलर हेक्सागन सच दैट ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी सी इज इक्वल टू वेक्टर बी। शो ए सी जो बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, ए बी प्लस बी सी कह सकते हैं यूजिंग ट्रायंगल लॉ। ए बी प्लस बी सी क्या होता है, ए सी तो होता है, तो ए सी क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी। ए बी की वैल्यू क्या है, ए है, तो बी सी की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी। सिंस ए डी इज पैरेलल टू बी सी, कैसे, कहां से बात कर रहा हूं मैं, देखिएगा हम इस ए सी की बात कर रहे थे और वो ए बी प्लस बी सी एक ट्रेंगल ला बनेगा। इस तरीके से हमें ए सी का पता लग जाएगा। तो ट्रेंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या हो जाएगा, ए प्लस वेक्टर बी, तो वही हमने लिखा ए सी को लिख दिया। आगे कहते हैं ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ए डी क्या चीज है, बी सी के पैरेलल। अब क्यों है, ए डी जो है बी सी के पैरेलल है। आप जानते हैं अगर वो हेक्सागन है तो इसका मतलब ये होगा ये जो AD की जो साइड रहेगी वो इस साइड के पैरेलल रहेगी, मतलब अपोजिट, यानी कि एक तरीके से यूं ये साइड्स अगर हम हेक्सागन की बात करें तो पैरेलल भी होती हैं और ये AD जो है डबल होता है BC की, ये प्रॉपर्टी होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल देंगे अगली बार, BC इज इक्वल डबल ऑफ या हाफ ऑफ AD या फिर AD इज इक्वल डबल ऑफ BC, इनमें से कोई भी चीज बोल सकते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, AD इज इक्वल डबल ऑफ BC। अब AD क्या चीज है, BC का डबल है। BC क्या था, BC था वेक्टर B, वेक्टर BC जो है वेक्टर B से डिनोट कर रखा है इक्वेशन नंबर 2nd। तो अगर हम बात करें AC की, वो आ चुका है वेक्टर A प्लस वेक्टर B में, और AD की बात करते तो वेक्टर बी का डबल है। आगे फ्रॉम ट्रायंगल एसीडी, ए सी डी एक ट्रायंगल आपको नजर आ रही होगी, इस ट्रायंगल के अंदर हम क्या कर लेते हैं, ए सी प्लस सी डी एक एडिशन लॉ जिसको बोलते हो, यानी कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो वो क्या होता है, ए सी प्लस अगर मैं सी डी की बात करूं तो ए डी की इक्वल होता है, तो वही हमने लिख दिया। अब यहां से अगर सी डी को अकेला करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए डी हमारे पास राइट साइड पहले से ए सी इधर आके माइनस हो जाएगा। ए सी अभी अभी निकाला है, ए और बी के टर्म में निकाला था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी था, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। तो अब इन दोनों, ये क्या चीज था, ए डी, ए डी इसका बी सी का डबल है, तो BC हमारे पास वेक्टर भी है, तो इसका मतलब ये 2B था। तो अब डाल देंगे किसकी वैल्यू, मैं CD की बात कर रहा हूं, तो CD आ जाएगा AD में से माइनस कर दीजिए इस, इसका मतलब 2B माइनस A प्लस वेक्टर B। तो कैलकुलेट करने के बाद वेक्टर B माइनस वेक्टर A आ जाएगा, हम इसको CD बोल रहे हैं। तो पहला आंसर हमने दे दिया है, क्या मांगा था इन्होंने, पहला आंसर सी डी। अब इसी तरीके से डी ई ई एफ एफ ए ए ई और सी ई का पता लगाएंगे ए बी के टर्म के अंदर।
अब हम जानते हैं डीई जो ने बीए के पैरेलल है, कहां है डीई, ये डीई वो बीए के पैरेलल है, बिल्कुल जानते हैं, क्यों, एग्जागन जो है, और वो साइड भी इक्वल आप जानते होंगे, डीई जो है बीए के इक्वल क्यों है, क्योंकि ऑल साइड आर इक्वल, रेगुलर जो है ये एग्जागन, यहां से बोल सकते हैं डीई जो वेक्टर रहेगा बी ए वैक्टर के इक्वल रहेगा, जो डीई वैक्टर है वो बी ए वैक्टर के, तो बी से ए की तरफ ये डायरेक्शन भी डी से ई की तरफ सेम डायरेक्शन होगी। तो कोई दो लाइन दो कोई वेक्टर कह लो पैरेलल हो, मैग्नीट्यूड इक्वल हो, डायरेक्शन सेम हो, तो क्या होता है, इक्वल होते हैं दोनों वेक्टर। चलिए तो अब हमारे पास क्या आ चुका है, डीई वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर बी ए। अब आप देखिएगा डीई किसका क्या दे रखा है, बी ए के बराबर अभी अभी बोल के आए, और बी ए को मैं उल्टा लिख दूं क्या चीज, नेगेटिव ऑफ ए बी, तो भी तो सही है ना, नेगेटिव ए बी, और ए बी हम जानते हैं क्या है, वेक्टर ए है, तो लिख दिया हमने नेगेटिव वेक्टर ए, मतलब डी को हमने निकाल दिया ए की टर्म में। फोर्थ नेक्स्ट है ई एफ इज पैरेलल टू सी डी, क्यों है, क्योंकि ई एफ जो है सी बी के पैरेलल है, अपोजिट साइड्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन, तो इक्वल भी हैं डिस्टेंस के यानी कि मैग्नीट्यूड में, तो वो भी हम लिख रहे हैं, क्या चीज, जो ई एफ हमने लिखा है पैरेलल है और इक्वल है सी बी के। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वेक्टर भी जो कोई दो वेक्टर में यानी कि पैरेलल हो तो वेक्टर इक्वल हो जाते हैं, तीन बातें आती हैं, डायरेक्शन भी सेम है, कहां से कहां तक है, ई से एफ की तरफ चला, सी से बी की तरफ, ई से एफ की तरफ, सी से बी की तरफ, तो डायरेक्शन भी सेम होने की वजह से दोनों को इक्वल रख देंगे। इक्वल रखने के बाद मैं सी बी वेक्टर को जानता हूं, वो नेगेटिव ऑफ बी सी लिख सकता हूं मैं इसको, और बी सी हम जानते क्या है, वो वेक्टर बी है, तो माइनस वेक्टर बी बोल देंगे, इसकी वैल्यू आ गई ई एफ की। नेक्स्ट सिमिलरली एफ इज पैरेलल टू डी सी, ये एफ रहा वो डी सी के पैरेलल है, ठीक है जी, और इक्वल भी है, डाल देते हैं एफ इज इक्वल टू डी सी, तो इसका मतलब दोनों वेक्टर इक्वल हो जाएंगे, कौन से, डायरेक्शन सेम हो गया, एफ ए और डी सी इधर ही डायरेक्शन है, तो इक्वल हो गए वेक्टर्स। अब डी सी को आप क्या लिख सकते हैं, डी सी को लिख सकते हैं नेगेटिव सी डी, तो नेगेटिव सी डी, सी डी की वैल्यू आप जानते हैं या निकाल लेंगे इस ट्रेंगल ला से, वो क्या हो जाएगा, बल्कि हमने निकाल भी लिया है, ये रहा सी डी, सी डी अपने को बी माइनस ए हम पहले से निकाल बैठे हैं, तो वहां पर हम यूज कर लेंगे सी डी की वैल्यू बी वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, तो अंदर भेजेंगे नेगेटिव साइन को, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बन जाएगा, इक्वेशन नंबर नेक्स्ट बोल देंगे, और यूज की भी किया है थर्ड इक्वेशन हमने लिख भी दिया इसका रीजन। अब आगे चलते हैं तो क्या पाते, ए ई, ए से ई तक का ये जो है क्या बनता है, ए जो बनता है वो ए डी प्लस डी ई, कहां से, लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में क्या होता है, ए डी प्लस डी ई इज इक्वल टू ए ई होता है। अब यहां मैं ए डी के बारे में जानता हूं, डी के बारे में जानता हूं, ए डी हमारे पास क्या है टू बी, और डी हमारे पास माइनस ई है, ये रहा डी ई माइनस ए है, और ए डी की अगर बात करते हैं तो ए डी अपने पास जैसे कि यहां पर दिखाने की कोशिश करते हैं, ए डी वो क्या है टू बी लिखा हुआ है, तो उसकी जगह हमने टू बी रख दिया, तो टू बी माइनस ए क्या बन गया, ए की वैल्यू आ चुकी है, जो कि हमने सेकेंड इक्वेशन का भी यूज किया है पिछले पेज पे जो थी, ए डी जो मैंने टू बी लिखा हुआ है। नेक्स्ट सी ई, सी से ई की बात करते हैं, सी ई क्या बनता है, किस किस का पता, उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं, इन दोनों का पता है तो इन्हीं का यूज कर लो, से डी प्लस डी लिख सकते हैं एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगल की अकॉर्डिंग, और सी डी की वैल्यू पता है हमने बी माइनस ए है, कहाँ है सी डी, ये रही बी माइनस ए थर्ड इक्वेशन, और डी ई जो है अपने पास डी ई की बात करते तो वो माइनस ए है, उसकी जगह माइनस ए रख दिया, बी माइनस टू ए लिख देंगे इसके रिजल्ट को, सारे आंसर आ चुके हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी की टर्म में। नेक्स्ट
इन ए रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ, रेगुलर हेक्सागन का मतलब होता है छह भुजाओं से घिरी आकृति जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों, वो रेगुलर हेक्सागन होता है। भले ही मेरे पास आपको नजर नहीं आ रहा होगा ये फिगर की सारी साइड्स, क्योंकि रफली मैंने ड्रॉ किया ही, बट ये सारी साइड्स इक्वल हैं और ये इंटरनली एंगल भी आपको इक्वल मिलेंगे। भले ही आपको इस फिगर में नजर नहीं आ रहा हो, ये गिवन है, एक तरीके से रेगुलर हेक्सागन बोल दिया, इसका मतलब दिया गया है। अगर मैं एफ ई एंगल की बात करूं तो एफ ई डी के बराबर मिलेगा, मतलब सारे एंगल इंटीरियर बराबर मिलेंगे। चलिए रेगुलर हेक्सागन दिया गया है, नाम है ए बी सी डी ई एफ। प्रूव करना है कि ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए प्लस ए एफ इज इक्वल टू 3AD। अब ए डी का ट्रिपल हमें शो करना है, ठीक है जी। तो रेगुलर हेक्सागन है ए बी सी डी एफ, हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं, ए को सी से, ए को डी से, ए को ई से। तो लिख देंगे ज्वाइन ए सी ए डी ए ई। ज्वाइन करने के बाद रेगुलर हेक्सागन में इनकी पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया, जो रिजल्ट हमें देना है उसका लेफ्ट साइड ये है, तो मैंने उतार दिया ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी वैक्टर प्लस ए वैक्टर प्लस ए एफ वैक्टर। अब मैं इसके दो ए बी प्लस ए वैक्टर को इकट्ठा लिख रहा हूं, आपको कुछ नजर आएगा, साथ ही ए सी प्लस ए एफ भी इकट्ठा कर देता हूं और ए डी को ए डी, क्योंकि ये तो आंसर ही देना है ए डी में, तो ए बी प्लस ए को इकट्ठा कर दिया, ए सी प्लस ए एफ को इकट्ठा कर दिया। थोड़ा सा चेंज करते हैं इसके अंदर, ए बी प्लस ए ठीक है जो लिखा गया था इकट्ठा किया था मैंने ए बी प्लस ए। अब ए बी की जगह मैं जानता हूं क्या लिख सकता हूं, ए बी को आप ए डी लिख सकते हैं, डी तो नहीं लिख सकता, डी लिखना पड़ेगा तो नेगेटिव लिखना पड़ेगा, ए बी वैक्टर को ई डी वैक्टर लिख सकते हैं, ये ए एज इट इज। अब ए सी को एज इट इज रखा, ए एफ को क्या लिख सकते हैं, ए एफ को, अब ए एफ को सी डी लिख सकते हैं, आपको भी ए एफ सी डी क्यों है, ए से सॉरी ए एफ यानी ए एफ, ये ए एफ जो है सी डी है, यहां ए एफ ये साइड, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ कह लो चाहिए ऑल साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन आर इक्वल, तो हमने डाल दिया डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, ए से एफ की तरफ चलाया था, सी से डी की तरफ चलाया, उसको हमने डाल दिया। अब आप देखेंगे ट्रायंगल ला यूज करेंगे, ई डी प्लस ए ई, ये था ई डी और उसके बाद है ए ई, तो ए ई प्लस ई डी क्या होता है, ए डी होना चाहिए, हमने भी लिख दिया। उसके बाद इसमें बात करते हैं ए सी सी डी की जरूरत पड़ेगी, ए सी प्लस सी डी उसकी जगह भी ए डी लिख सकते हैं, ए सी प्लस सी डी भी ए डी, यूनी ट्रेंगल लॉ ऑफ एडिशन यूज कर रहे हैं। अब इनको ऐड कर देंगे यूं तो कह लो चाहे तो, या इनकी वैल्यू डाल दो, अब इसकी वैल्यू ए डी है, इसकी वैल्यू भी ए डी, प्लस में ए डी, कितनी ए डी हो जाएंगी, 3AD हो जाएंगी, वही हमें रिजल्ट देना। मतलब एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे, जो रेगुलर हेक्सागन दिया गया था केवल ये हमने अपनी तरफ से ज्वाइन किया था, इस बात का यहाँ पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, बिना इनके ज्वाइनिंग के हम इनको प्रूव नहीं कर पाएंगे ए डी का ट्रिपल इस पूरे रिजल्ट को, तो आपको ये ज्वाइन जरूर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ट्रायंगल ला यूज करते हुए आगे बढ़ पाओगे। नेक्स्ट, इन रेगुलर हेक्सागन, फिर से वही रेगुलर हेक्सागन है, छह साइड से घिरे आकृति रहेगी जो कि सभी साइड्स इक्वल रहेंगी, तो रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ। प्रूव करना है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी प्लस ई एफ प्लस एफ इज इक्वल टू 0 वेक्टर, ये सभी वेक्टर का सम 0 वेक्टर, बड़ा इजी है ना, इसमें कोई दिक्कत आने वाली आपको।
तो इसमें भी ए बी सी डी इज ए रेगुलर हेक्सागन दिया गया, ज्वाइन करना फिर से उसी के तरीके से ए सी को, ए डी को और ए ई को ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद ए बी प्लस बी सी, देखिएगा ए बी प्लस बी सी क्या बन जाएगा, ट्रायंगल ला के अकॉर्डिंग ए सी बन जाएगा। हमने भी आगे चल के ए बी प्लस बी सी को ए सी रख दिया, बाकी को एज इज लिखते आ रहे हैं हम यहाँ पे। अब देखो कि सी डी को इसके साथ मिला दो, इन दोनों में सी कॉमन, इसका टर्मिनल पॉइंट है तो दूसरे का इनिशियल पॉइंट है, तो उसको आप ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग ए डी लिख दो के आगे चल के, ये ए डी लिख दिया। इन सब तीन दोनों का रिजल्ट ए डी बन जाएगा। फिर डी को इसके साथ मिला देंगे, इसका टर्मिनल पॉइंट ही, इसका इनिशियल पॉइंट ही है, तो इसका मतलब ट्रायंगल लॉ फिर से ही यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। ए डी प्लस डी क्या होता है, ए ई बन जाएगा। आप ट्रायंगल के अंदर भी देख सकते हैं ए डी प्लस डी क्या बन जाता है, ए ई बन जाता है। किसी के फिर से EF हमने इसके साथ ऐड किया, तो E इन दोनों का कॉमन कह लो चाहिए या फिर इसका टर्मिनल पॉइंट इस दूसरे का इनिशियल पॉइंट है, सेम है, तो इसका मतलब AF लिख दोगे इसके जगह। और AF प्लस FA, FA को आप क्या कह सकते हो, यानी कि फिर से AF प्लस FA, AF प्लस FA ये दिया गया है। यहां पर अब कोई ट्रायंगल ला यूज नहीं कर रहे हम, तो क्या करेंगे, अब A से F चला, F से वापिस A पे आ गया, ए से एफ चला, एफ से वापस ए आ गई, चलिए ये कह लो, या फिर यानी कि ए से ए पर पहुंचा जीरो वेक्टर, या फिर एक आपके सामने पॉइंट ये भी कहूंगा, एफ ये है मान लीजिए एक मिनट के लिए, एफ ये है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको अगर डायरेक्शन चेंज कर दूं तो नेगेटिव क्या बन जाएगा इसका, एफ बन जाएगा, बट वो क्या बनेगा नेगेटिव, ये एफ है, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी तो नेगेटिव ऑफ है AF हो लिख सकते हैं हम इसको, AF पॉजिटिव AF नेगेटिव कट जाएगा, इसका मतलब क्या बचेगा जीरो वेक्टर बचेगा, यही तो प्रूव करना था हमने, किसी तरीके से आप इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट, लेट OB द सेंटर ऑफ द रेगुलर हेक्सागन ABCDEF, वो क्या चीज है, सेंटर है, किसका है, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन सारी साइड्स बराबर जो है। फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर प्लस ओ ई वेक्टर प्लस ओ एफ वेक्टर, कहां से, ओ से ए, ओ से बी, ओ से सी, ओ से डी, ओ से ई, ओ से एफ, इन सब का सम करना, सम फाइंड आउट करना, तो क्या रहेगा, देखो Here O is the center of the regular hexagon ABCDEF since O is the midpoint of straight line AD. ये जो O है AD का midpoint, अब AD का ही क्यों रहेगा, BE का भी रहेगा, FC का भी रहेगा, तो है तो सभी का, पर एक बार AD को क्यों ले रहा हूं वो देखोगे। सबसे पहले मैं लिखता हूं OA, O से A तक किसके इक्वल है, ओडी का नेगेटिव, क्योंकि मिड पॉइंट होने के नाते OA इज इक्वल टू ओडी है। अगर मैं एक लाइन सेगमेंट की बात करूं और वेक्टर में अगर बात करें तो OA इज इक्वल टू ओडी, बट उसका नेगेटिव लिखेंगे हम उसको। अब ओडी को आप इधर ले आए, जैसे OA इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओडी लिखा, तो OA प्लस ओडी लिखी, क्योंकि राइट साइड पे उठकर लेफ्ट साइड पे जाएगा तो नेगेटिव उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, जीरो वेक्टर बन गया। सिमिलरली यानी कि हमने इसको लिखा, इसी तरीके से इनको लिखेंगे दोनों जो रह गए अपने पास। तो अगर मैं बीई के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो मैं पहले लिखूंगा ओबी प्लस ओई, क्या हो जाएगा, फिर से जीरो लिख दूंगा। फिर अगली बारी लिखूंगा ओसी प्लस ओएफ इजिकल टू वेक्टर के अंदर जीरो हो जाएगा। अब तीनों इक्वेशन को ऐड करते हैं आप, जैसे ऐड करें ओए प्लस ओडी प्लस ओबी प्लस ओई प्लस ओसी प्लस ओएफ, एड कर दिया, इज इक्वल टू क्या है, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, जीरो वेक्टर रहेगा। टूट नेक्स्ट, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल वेक्टर्स ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन, अभी तक हेक्सागन चल रहा था, ऑक्टागन से एट साइड से बनी हुई फिगर रहेगी आपकी बारी, क्लोज फिगर, टू इट्स वर्टिसेस इज जीरो वेक्टर। तो क्या मांग लिया, सम ऑफ ऑल वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रेगुलर ऑक्टागन,
अगर वो ऑक्टागन है तो उसके अंदर अगर उसका सेंटर ओ हो, मान लीजिए मिनट की कोई भी सेंटर आप ले सकते हैं, सेंटर से उनके वर्टेक्स मान लीजिए, तो वर्टेक्स पर जब जाओगे तो इसके लिए बोल रहा है वो, सभी वेक्टर्स जो जहां से, जैसे कि हमने सबको जीरो शो किया है, अब बिल्कुल सिमिलरली ये हेक्सागन था तो ये ऑक्टागन में मांग रहा है कि आपको कहेंगे सम ऑफ द ऑल वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रेगुलर ऑक्टागन टू इट्स वर्टिसेस इज जीरो। तो एक बार फिगर दिखाते हैं और बताते हैं क्या प्रूव करने के लिए कहा है। ये अगर इसका सेंटर हो, ये ऑक्टागन हो, ABCDEFGH एक ऑक्टागन है, और सेंटर से ओ ए के लिए सेंटर से, बी के लिए सेंटर से, सी के लिए सेंटर से, डी के लिए सेंटर से, ई के लिए सेंटर से, एफ के लिए सेंटर से, जी के लिए सेंटर से, एच के लिए, सबका सम करो तो जीरो आना चाहिए, ये प्रूव करने के लिए कहा है। इसका मतलब उसने अपनी तरफ से कोई नाम नहीं दिए तो हम लेट करेंगे इसके लिए। तो लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द रेगुलर ऑक्टागन ABCDEFGH, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन ए, जैसे हमने अभी अभी एग्जागन में किया था, ओ जो है मिड पॉइंट था, या ए डी का मिड पॉइंट ओ लिया था। सिमिलरली ओ यहां पर क्या है, ए एफ का मिड पॉइंट है, तो वही हम लिख रहे हैं, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन ए, सॉरी ए एफ नहीं है यहां पर, ई ए, तो ए का मिड पॉइंट ओ है। अगर ये मिड पॉइंट है तो अभी अभी जो एग्जागन में करके वही लाइन अभी लिख रहे हैं, फिर ओ ए इज इक्वल किसके है, नेगेटिव ऑफ ओ ही है, क्योंकि डायरेक्शन, क्योंकि इक्वल में मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन अपोजिट होने के नाते ये नेगेटिव साइन देना पड़ेगा, तभी तो इक्वल बन पाएगा। तो ओ ए इज इक्वल वैक्टर ओ ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वैक्टर ओ ई, तो वही हमने लिखा ओ ए वैक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ओ ई, ओ ई को उधर ले चलेंगे प्लस हो जाएगा, ओ ए प्लस ओ ई इज इक्वल टू जीरो आ गया। सिमिलरली बी सी डी की ओर बना लेंगे हम, इनके एक तरीके से जो पीछे काम करें बिल्कुल सेम उसी तरीके से। सिमिलरली ओ बी प्लस ओ एफ इज इक्वल टू जीरो, ओ सी प्लस सी जी इज इक्वल, सॉरी सी जी के बोल रहा हूँ, ओ जी, ओ सी प्लस ओ जी इज इक्वल टू जीरो, एंड बचा अपने पास ओ डी प्लस ओ एच आल्सो जीरो। अब इनको इस तरीके से लिखने के बाद आप ऐड कर देंगे, जैसे ही ऐड करेंगे जो उसको चाहिए था सेंटर से वर्टेक्स तक जितने भी लाइन सेगमेंट बनेंगे उन सब के वेक्टर्स का सम का रिजल्ट जीरो रहेगा। हेंस द सम ऑफ ऑल वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन टू इट्स वर्टिसेस इज ए जीरो वेक्टर। नेक्स्ट, इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, एक कोई ट्रायंगल है एबीसी उसका नाम है, डी कोई पॉइंट है वो भी मिड पॉइंट है, कि कहां पर है बीसी साइड पर, ये अगर ए बी सी ट्रायंगल है तो बीसी साइड ये, इसका मिड पॉइंट डी है, डी क्या चीज है मिड पॉइंट है, यानी कि डीबी अगर लाइन सेगमेंट डीसी की बात करें तो बराबर लाइन सेगमेंट है, सी डी और डीबी बराबर है। मैं वेक्टर की नहीं बात कर रहा हूं, मैं वेक्टर की जगह में यहां पर क्या बोल रहा हूं, लाइन सेगमेंट की बात करूंगा, क्योंकि डी मिड पॉइंट होने के नाते इसने दे रखा है। प्रूव हमें क्या करके दिखाना, ए बी प्लस ए सी, ये रहा ए बी प्लस में ए सी, डबल दिखा देंगे एडी का, ये हमें बोला गया है। तो इन ट्रायंगल एबीडी, सबसे पहले एबीडी में नीचे जो ट्रायंगल नजर आ रही इसके अंदर काम करते हैं, उसके बाद काम करेंगे ए सी डी, इस ट्रायंगल में दोनों ट्रायंगल में लॉ ऑफ एडिशन ऑफ ट्रायंगल, यानी कि एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो क्या होता है, ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी क्या रहेगा एडी के इक्वल होनेगा, और इस ट्रायंगल के अंदर ए सी प्लस सी डी वो भी ए डी के बराबर, वो हमने लिख दी ए सी प्लस सी डी ए डी, तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, तो ये था ट्रायंगल ऑफ एडिशन, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी डी प्लस ए सी प्लस सी डी इज इक्वल टू टू ए डी, वही हमने लिख दिया। अब कहोगे हमें तो ए बी प्लस ए सी चाहिए, तो ए बी ए प्लस ए सी बाकी एक्स्ट्रा क्यों आया, डरने की जरूरत नहीं है, ये आपस में एक दूसरे के नेगेटिव हैं, कैंसिल हो जाने, कैसे हैं वो मैं बताता हूं। अगर आप बात करें बी डी की, बी सी डी, उसके बाद सी सी डी, तो क्या चीज है, अगर मैग्नीट्यूड में बात करें तो इक्वल है,
बट डायरेक्शन अगर सी डी की और बी डी की करें तो अपोजिट हो जाती है। वैसे तो इक्वल थी, एक ही लाइन के पार्ट थे तो पैरेलल भी होंगे, इसका मतलब नेगेटिव बोल दो कि डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से, तो वही मैं लिखूंगा इन दोनों का रिजल्ट जीरो। तो मतलब क्या हो जाएगा, बी डी प्लस सी डी इज इक्वल टू जीरो बनेगा, तो वही मैं लिखने वाला हूँ। बट बी डी प्लस सी डी इज इक्वल टू जीरो, बी डी प्लस सी डी इन दोनों की जगह जीरो रखेंगे तो क्या बनेगा, ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 280 रह जाएगा। तो ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 280, इसका हमने रीजन भी दिया है क्यों है, क्योंकि बी डी जो एंड सी डी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बी डी और सी डी जो है मैग्नीट्यूड में इक्वल है, एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में अपोजिट, ये सी से डी की तरफ चल रहा है, ये बी से डी की तरफ चल रहा है। तो रिजल्ट आ चुका है, नेक्स्ट एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट बी ए प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज इक्वल टू डबल ऑफ बी ए वैक्टर, इसे भी वैक्टर में बोल रहे हैं, एक क्वाड्रिलेटरल है, सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रिलेटरल है, पर्टिकुलर नहीं है, स्क्वायर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल ऐसा कुछ नहीं दिया गया। तो प्रूव करने के लिए क्या है, बी ए प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज इक्वल टू डबल ऑफ बी ए वेक्टर्स। तो बोलते हैं ए बी सी डी से क्वाड्रिलेटरल, बी और डी को ज्वाइन कर रहे हैं हम, बी और डी को ज्वाइन किया बस। तो ये ज्वाइन करने के बाद क्या देखोगे आप, हमें जो चाहिए पहले तो उसको लिख रहे हैं, बी ए प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए लिखा। अच्छा जी, अब बी ए तो एज इट इज, बी सी प्लस सी डी देखो इसका टर्मिनल पॉइंट, इसका सी डी का इनिशियल पॉइंट सेम होने के मतलब क्या हो जाएगा, बी डी आप लिख सकते हो, तो बी सी प्लस सी डी को क्या लिख देंगे अब आगे चल के, बी डी। ठीक है जी, बी डी लिख दिया आपने, क्यों लिखा, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है ये। अब बी डी में इस दोनों बीच के तो बी डी आ गया, अब प्लस में डी ए कर देंगे, फिर से इसका टर्मिनल पॉइंट डी, इसका इनिशियल पॉइंट डी है, तो इसका मतलब ये फिर इसको बी ए लिख सकते हैं, या फिर यूं बोल सकते हो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। आपको दिखा भी देते हैं, बी डी प्लस डी ए, बी डी प्लस डी ए, यानी कि अगर मैं ट्रायंगल ए बी डी की बात करूं तो बी डी प्लस डी ए क्या होगा, बी ए के बराबर रहेगा, उन दोनों की जगह मैंने बी ए लिख दिया। तो बी ए प्लस बी ए क्या होता है, टू बी ए, हेंस प्रूव्ड। तो मतलब कोई क्वाड्रिलेटरल था, उनमें हमने बी ए प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए की बात करें तो क्या बना, टू बी ए वेक्टर। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप ट्रायंगल लॉ का यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे, बट उससे पहले एक बात का ध्यान रखें, डी और बी को ज्वाइन कर लें ताकि ट्रायंगल लॉ अप्लाई किया जा सके। नेक्स्ट, इफ ए बी एंड बी डी आर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी और बी डी क्या चीज है, डायगोनल है, किसके हैं, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम दिया गया है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं। शो क्या करना है, दो बातें प्रूव करनी होंगी, ए सी प्लस बी डी इज इक्वल टू डबल ऑफ बी सी, और ए सी माइनस बी डी इज इक्वल टू डबल ऑफ ए बी, ये हमें शो करना है। सबसे पहला पॉइंट, ए सी प्लस बी डी, बी सी का डबल चाहिए वेक्टर के अंदर, तो ए सी प्लस बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें बी सी पर पहुंचना है, दे क्या रखा है, एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, और ये इसके डायगोनल है कौन से, ए बी और सी डी, ए से नहीं 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 ये गलत लिख लिया मैंने, ए सी और बी डी लिखना था, तो स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, यहां पर ये नहीं हो सकता जो मैंने लिखा था, ए सी एंड बी डी आर डायगोनल, ए सी एंड बी डी आर डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है, शो करना है ए सी, कहां है ए सी, ये रहा ए सी, प्लस में बी डी यानी कि दूसरा डायगोनल, इन दोनों का सम डायगोनल का बी सी का डबल चाहिए वेक्टर के अंदर, तो उसी के लिए हम काम करने बैठे हैं। ए सी प्लस बी डी मैंने यहां लिखा है,
इसको एसी को कैसे लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी लिखा जा सकता है, लॉ ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ एडिशन। तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग हम एसी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी, और बीडी की जगह क्या लिख सकते हैं, बी ए प्लस ए डी। कहां है बीडी, ये रहा बीडी, तो रहेगा बी ए प्लस ए डी। अब ए बी प्लस बी ए लिख लो, ए बी प्लस बी ए एक जगह लिख लो, और यहां पर रखोगे बी सी प्लस जो हमारे पास बी सी प्लस एक रह गया, ए डी रह गया। तो ए डी किसके इक्वल था, ए सी डी बी सी के इक्वल था, तो वहां रख देंगे उसकी जगह ए डी की जगह बी सी। तो बी सी प्लस बी सी क्या हो जाता है, टू बी सी, क्योंकि ये रिजल्ट हमारा बी सी के अंदर जाना है, इसलिए बी सी को तो रखो। और यहां कौन किसके इक्वल है, तो बात करते हैं एडी जो है बीसी के इक्वल है। तो ए बी प्लस बी को यहां रखने पर वो जीरो कैसे हो गया, दो तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं जीरो के लिए, क्या हो। सबसे पहली बात तो ये है कि लॉ ऑफ ए बी प्लस बी ए, यानी कि ए बी प्लस बी ए, ए से बी की तरफ, बी से ए की तरफ, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम होने की वजह से, मतलब इसको एक लॉ ऑफ ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, ट्रायंगल लॉ क्या बोलेगा, टर्मिनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट सेम हो तो ए ए लिखा जा सकता है। क्या लिख दोगे आप, ए ए वेक्टर, मतलब टर्मिनल इनिशियल पॉइंट सेम होने का मतलब जीरो वेक्टर हो जाएगा। तो वही हमने लिख रखा इन दोनों की जगह जीरो वेक्टर। तो हमें प्रूव करना था डबल ऑफ बी सी, वो हो चुका है। नेक्स्ट में ए सी माइनस बी डी इज इक्वल टू डबल ऑफ ए बी, हमने लिखा पहले ए सी माइनस बी डी। अब ए सी को ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिखा जा सकता है, तो AC को लिखा जा सकता है ए बी प्लस बी सी, दोबारा से लिख दिया हमने इसको। और अगर मैं बात करूं BD की, BD भी हमने पीछे भी लिखा था BA प्लस AD, तो BA प्लस AD यहाँ, तो माइनस को जब अंदर भेजोगे तो क्या पाओगे, AB माइनस BA लिख दो और BC माइनस AD लिख दो। अब AD किसके इक्वल है, AD BC के इक्वल है, तो AD की जगह आगे चल के BC लिख दोगे, BC से BC कैंसिल हो जाएगा। और इस माइनस बी ए को आप पे बी ए भी तो लिख सकते हो, सॉरी माइनस बी ए को ए बी भी तो लिख सकते हो, क्योंकि डायरेक्शन चेंज करने के बाद नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। ए बी प्लस ए बी क्या होता है, टू ए बी होता है, टू ए बी प्लस जीरो क्या हो जाता है, टू ए बी रहना है, तो यही तो प्रूव करना। नेक्स्ट, इफ पी वन पी टू पी थ्री पी फोर आर पॉइंट इन अ प्लेन और स्पेस एंड ओ इज द origin of vectors, show that if O P1 plus P1 P2 plus vector P2 P3 plus vector P3 P4 is equal to 0. अगर ये given हो, then P4 coincide with O, ये शो करना है। क्या शो करना है, P4 और O एक ही point है, ये हमें शो करना है। यानी कि P4 O vector की बात करें तो 0 vector आना चाहिए, यू कह लो। फिर से जो गिवन है वो उठा लेते हैं सॉल्यूशन के अंदर, ओ पी वन प्लस पी वन प्लस पी टू वैक्टर प्लस पी टू प्लस पी सॉरी पी टू पी थ्री वैक्टर प्लस पी थ्री पी फोर वैक्टर इज इक्वल टू जीरो गिवन है। अब ओ पी वन प्लस पी वन पी टू को आप यहाँ, पी वन टर्मिनल पॉइंट है इसका, पी वन इनिशियल पॉइंट है, इसको ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग ओ पी टू लिख सकते हो। ओ पी टू यहाँ लिख दिया मैंने, क्योंकि इन दोनों को पहले ब्रैकेट में डाला, इन दोनों का इसका टर्मिनल इसके इनिशियल पॉइंट सेम होने की वजह से ट्रायंगल लॉ यूज करते हुए ओ पी टू लिख सकते हो आप। फिर से पी टू पी थ्री को इसके साथ ऐड करो, पी टू और पी टू इन दोनों का सेम पॉइंट होने का मतलब क्या है, टर्मिनल और इनिशियल, इसको ओ पी थ्री लिख सकते हो, प्लस में है ही पी थ्री पी फोर वैक्टर। फिर से वही बात, टर्मिनल पॉइंट पी थ्री है, इनिशियल पॉइंट पी थ्री, ट्रायंगल लॉ यूज करते हो ओ पी फोर लिख सकते हो। ओ पी फोर जीरो आ रहे हैं, जीरो वैक्टर कब होता है, ओ से चला पी फोर तक पहुंचा, जीरो वेक्टर आया, इसका मतलब दोनों पॉइंट एक ही है, तो पी फोर कोइंसाइड विद ओ, तो ओ और पी फोर एक ही पॉइंट है, तो ये प्रूव हो जाता है पी फोर कोइंसाइड विद ओ। कौन सा सम था, 15, 16, If O is any point within triangle ABC and PQR are the midpoint of the sides AB, BC, CA respectively. तो एक ट्रायंगल दे रखी ABC और O उसके अंदर कोई पॉइंट है और PQR उसके मिड पॉइंट है, किन किन साइड के, PAB का है, Q BC का है और CA का R मिड पॉइंट है।
हमें प्रूव करना है ओ ए प्लस ओ बी प्लस वैक्टर प्लस ओ सी इज इक्वल टू वैक्टर ओ पी प्लस वैक्टर ओ क्यू प्लस वैक्टर ओ आर। इन ट्रेंगल ओ ए बी में पी क्या चीज है, मिड पॉइंट है ए बी का, ओ ए बी, ओ ए बी एक ट्रेंगल जो नजर आ रही है आपको ओ ए बी, इसके अंदर जो है पी क्या चीज है, मिड पॉइंट है ए बी का। तो आप ये सीधी सीधी थ्योरम भी आपको पता होगी, पीछे ऐसे सम भी कर चुके हैं, तो कोई बात नहीं, फिर दोबारा से देख लेते हैं इसको क्या है। मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं इस टाइप से हम। तो फिर से ध्यान से देखिए, आगे फिर से ऐसे क्वेश्चन और भी आने वाले हैं, इसको डायरेक्टली रिजल्ट लिखेंगे। ओ ए बी एक ट्रायंगल है ओ ए बी, और ए बी का मिड पॉइंट है पी, तो हम लिखते हैं ओ ए प्लस ए पी इज टू ओ पी। ओ ए प्लस ओ से ए पर ए से पी तक इन दोनों वेक्टर का सम क्या बनेगा, ओ पी बनेगा। कहां से, ट्रायंगल ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया। अब ओ बी प्लस बी पी वेक्टर, ओ बी वेक्टर प्लस बी पी वेक्टर, इन दोनों का सम ट्रायंगल ऑफ एडिशन क्या बोलता है, ओ पी वेक्टर बनेगा। ठीक है जी, दोनों को ऐड कर लेता हूं, जैसे ऐड करूंगा ओ ए प्लस ओ बी वैक्टर प्लस ए पी वैक्टर प्लस बी पी वैक्टर इसी को डबल ऑफ ओपी हो जाएगा, ओपी प्लस ओपी टू ए पी हो गया। अब ओपी को तो संभाल कर रखो, एज इट इज चलने वाला है डबल ओपी। अब यहां पर थोड़ा सा काम करने वाले हैं, क्या चीज है देखो कि ओ ए प्लस ओ बी मैंने एज इट इज रखा। अब आप देखोगे ये जो ए पी वैक्टर है उसको मैं क्या कह सकता हूं, ए से पी वेक्टर है उसको पी से बी, ए से पी, पी से बी डिस्टेंस इक्वल थी, एक ही लाइन होने का मतलब पैरेलल स्पोर्ट्स है, पैरेलल स्पोर्ट्स होने का मतलब ये हो जाएगा कि मैग्नीट्यूड में भी इक्वल है, मिड पॉइंट जो है पी, इसका मतलब उसको आप बीपी का नेगेटिव भी तो लिख सकते हैं, वेक्टर एपी की जगह बीपी का बी से पी का नेगेटिव लिख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट, ए से पी की तरफ चला ये, बी से पी की तरफ चला, डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से इसका नेगेटिव लिख सकते हो, इक्वल में बता रहा हूं मैं मिड पॉइंट होने की वजह से। तो लिख दिया एपी इक्वल टू बीपी, जो कि नेगेटिव ऑफ बीपी वेक्टर लिख सकते हो इस एपी की जगह, तो एपी की जगह मैंने नेगेटिव ऑफ बीपी लिख दिया, बीपी से वेक्टर बीपी नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगे, बचे क्या क्या, ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल टू डबल ऑफ ओ पी। कहने का मतलब ये हुआ क्या, ओ ए प्लस वैक्टर ओ बी इज इक्वल टू किसका, ओ से पी जो नजर आ रहा है आपको ये मिड पॉइंट पर, ओ इस सेंटर से इससे मिला रखा है उसका डबल है। अब इन ट्रायंगल में दो बची हूं, मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिखने वाला हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, तो लिख दिया हमने आगे चल के सिमिलरली इन ट्रायंगल ओ बी सी क्यू इज द मिड पॉइंट ओ बी सी, क्यू क्या चीज है, मिड पॉइंट ओ बी सी है, तो ओ बी प्लस ओ सी क्या लिखोगे, डबल ऑफ ओ क्यू लिखोगे, मैंने लिख दिया। अब इस ट्रायंगल के अंदर सी ओ ए में या ओ ए सी भी बोल सकते हो, ओ सी ए भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता ट्रायंगल का नाम। आर क्या चीज है, ए सी का मिड पॉइंट है, तो आप लिख सकते हो ओ सी प्लस ओ ए इज इक्वल टू डबल ऑफ ओ आर, ओ सी प्लस ओ ए इज इक्वल टू डबल ऑफ ओ आर। अब इन तीन जो इक्वेशन आई है अपने सामने सबको ऐड कर देते हैं। आप कहोगे ऐड क्यों कर रहे हो, क्योंकि जो रिजल्ट चाहिए ओ ए ओ बी ओ सी कहां से मिलेगा, ओ ए ओ बी OC, इनको ऐड करने से ही मिल रहा है, और तीनों को ऐड करने से इन सब का डबल डबल आ जाएगा। देखोगे ऐड करोगे तो डबल आ गया, OA का भी डबल, कहाँ है ये OA एक है दूसरा आ गया, OB एक है दूसरा आ गया, OC एक है दूसरा आ गया, सब डबल आ रहे हैं, ये भी तो डबल है ना पहले से ही, OQ OR और OP ये सब डबल है पहले से ही, तो उसका 2 हमने कॉमन ले लिया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जो प्रूव करना था रिजल्ट आ चुका, OA + OB + OC वेक्टर इज इक्वल टू ओपी वेक्टर प्लस ओक्यू वेक्टर प्लस ओ आर वेक्टर। नेक्स्ट है एबीसीडी से पैरेललोग्राम, पी इज द इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स, ओ इज एनी पॉइंट, शो दैट ओ ए प्लस वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर ओ सी वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ वेक्टर ओपी। पैरेललोग्राम दिया गया एबीसीडी, पी कोई भी इंटरसेक्शन एक पॉइंट है जो कि इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स है, डायगोनल को जब ज्वाइन कर आपस में मीट करेंगे जहां पर वो पी पॉइंट बोलेगा, वो कोई भी पॉइंट हो सकता है, कहीं भी आप ले सकते हो, मैं इसको समझाने के लिए वो पॉइंट बाहर ले रहा हूं, आप अंदर भी ले सकते हो जहां मर्जी, क्योंकि उसने बोला है ना ओ इज एनी पॉइंट, कहीं भी हो सकता है इंटरनली एक्सटर्नली, तो शो ये करना है। तो क्या करते हैं हम यहां पे,
सबसे पहली बात तो बाहर लेने के बाद पी से ओ को, डी से ओ को, ए से ओ को, बी से ओ को, सी से ओ को ज्वाइन कर लेंगे। इन ट्रायंगल ओएसी, ओ ए सी एक ट्रायंगल नजर आएगी आपको। या फिर से आप देखो एसी का पी मिड पॉइंट, अभी अभी मिड पॉइंट के अंदर हम काम करके आए थे, वही लिख देंगे ओ ए प्लस ओ सी इज इक्वल टू डबल ऑफ ओ पी। मैंने क्या लिखा, ओ ए प्लस ओ सी। सिमिलरली आगे हम काम करेंगे ओबीडी के अंदर, ओ बी डी के अंदर, उसमें पी जो ना बीडी का मिड पॉइंट है, तो वहां से क्या बोल लेंगे ओबी प्लस ओ डी इज इक्वल डबल ऑफ ओ पी। दोनों को एड करेंगे तो ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी इज इक्वल टू फोर टाइम ऑफ फैक्टर ओ पी। यही तो शो करना। नेक्स्ट, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल फॉर्म पैरेललोग्राम। क्या प्रूव करना है, एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है। किसको प्रूव करना है, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट साइड, कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स, इनकी ले ली, इनकी ले ली, इनकी ले ली, उनके मिड पॉइंट के ज्वाइन करने से आपने क्या मिलेगा, कि ये जो क्वाड्रिलेटरल मिलेगा ये पैरेललोग्राम शो करना है, यानी कि एस पी क्यू आर क्या होना चाहिए, या पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम शो करना है। इसके लिए क्या करते हैं, लेट ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल है ये, तो लेट पी क्यू आर बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी सी डी। पी क्यू आर एस क्या चीज, इनके मिड पॉइंट ले लिए हमने साइड्स के, तो पी क्यू जो बनेगा वो क्या बनेगा, पी क्यू क्या चीज है, पी क्यू बनता है अपने पास पी बी प्लस बी क्यू, कहां से, ट्रायंगल ऑफ एडिशन के कोण, पी क्यू प्लस बी क्यू क्या बनेगा, पी क्यू, वो हमने लिख दिया। अब पी बी क्या चीज है, पी से बी की बात करें वो ए बी का हाफ है, क्योंकि मिड पॉइंट जो है, तो लिख दिया हमने ए बी का हाफ है। बी क्यू क्या चीज है, वो बी सी का हाफ है, लिख दिया हाफ ले लिया हमने कॉमन, ए बी प्लस बी सी। ए बी प्लस बी सी को आप ए सी बोल सकते हो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग, तो ए सी का हाफ लिख दिया। आगे भी फिर हम एस आर उठा के चल रहे हैं, एस आर क्या चीज है, सिम आप लिख सकते हैं सिमिलरली एस आर इज ऑल्सो बिल्कुल सेम, इसी तरीके से काम करेंगे, तो एस आर क्या हो जाएगा, फिर से ए सी का हाफ हो जाएगा। ये देखो हमने एस आर लिखा, एस डी प्लस डी आर, एस डी क्या चीज है, एस डी वो ए डी का हाफ है, और डी आर क्या चीज है, वो डी सी का हाफ है, हाफ ले लिया कॉमन। ए डी प्लस डी सी क्या होता है, ए सी होता है, ट्रेंगल होता है। तो आप देख पा रहे होगे क्या चीज, पी क्यू और एस आर में क्या सिमिलरिटी है, एसी का हाफ यहाँ है, एसी का हाफ है, तो इसका मतलब दोनों बराबर भी हैं। जो पी क्यू है वो एस आर, दोनों वेक्टर बराबर, दो वेक्टर बराबर होने का मतलब दोनों पैरेलल भी है, मैग्नीट्यूड में भी इक्वल है, तो एक पैरेललोग्राम को और क्या चाहिए, दो ही चीजें तो चाहिए। पी क्यू वेक्टर एंड एस आर वेक्टर आर पैरेलल एंड इक्वल। सिमिलरली वी कैन शो दैट एस पी, वैसे तो काम पूरा हो चुका है, यहाँ पर इक्वल भी आ गया, पैरेलल आ गया, तो इसका मतलब पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। फिर भी हम यहाँ बोल रहे हैं इसी तरीके से हम एस पी और वेक्टर आर क्यू को पैरेलल और इक्वल शो कर देंगे, तो बोल सकते हैं पी क्यू आर इज एस इज ए पैरेललोग्राम। थैंक यू।